अब भाई बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। यहाँ पे तेंदुआ है और यहाँ पे एलिफेंट है, जैसा कि एग्रेसिव बताया, और ये खड़ा भी हो गया। भाई देखो भाई साहब, देखो फाइनली हमने शेर को ढूंढ लिया और ये देखो भैंसे को खा रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग साथियों, बंसी विष्णु एक बार फिर से मसाई मारा के कैंप सिटी से आपका स्वागत है। और सुबह के 6:20 हुए, 5:30 मैं उठ गया था और यहाँ पे 5:40 के आसपास जनरेटर चालू कर दिया जा रहा है। यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट अलाउड भी नहीं है, और नहीं है ये अच्छी बात है क्योंकि जंगली जानवर हाथी वगैरह यहाँ पे घूमते हैं, जिराफ है, तो अगर उनको करंट लग जाए तो काफ़ी बड़ा मामला हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो जनरेटर सिर्फ सुबह 2 घंटे और शाम को 2-3 घंटे चलता है। मैं तैयार हो गया हूँ और अभी हम निकलते हैं यहाँ से, जीप का इंतजार करते हैं। जैसे जीप आती है हम निकलते हैं एक सफर के लिए। पूरे दिन मसाई मारा के अंदर घूमेंगे, पता नहीं कितना दूर है क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया यहाँ पे, सुबह सुबह चाय नाश्ता जो भी है वो भी तैयार होता है, तो वो भी करने के बाद आप यहाँ से निकल जाते हैं। तो बस 6:30 पे जिप्सी आने वाली है। ओके वेट। और ये सुबह सुबह हमारे कैंप साइट का नज़ारा है भाई। रात को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बंदरों की आवाज़, शेरों की दहाड़ और एलिफेंट वगैरह सबकी आवाज़ सुनाई दे रही थी यहाँ पे। तो बस अब हम तैयार खड़े हैं, जीप आने वाली है जस्ट, मुझे लगता है 6:20-30 का टाइम है। एक जीप यहाँ पे पड़ी है लेकिन दूसरी जीप अभी आने वाली है। हेलो सेफ, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये हमारे सेफ हैं। या सो आर यू गोइंग फॉर फुल डे? या फुल डे, फुल डे, फुल डे। या सो यू नीड योर लंच बॉक्स, यू नीड अ लंच बॉक्स फॉर लंच। या एंड नीड टू गिव इट टू यू। ओके थैंक यू। सो ये सेफ हमारे खाना वाना बनाते हैं। खाना वाना बनाते, काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं। और सुबह सुबह हम आ गए हैं दूसरी लोकेशन पे, जहाँ पे हमारा दोस्त है मामून। और ये पहाड़ियाँ और इसी जंगल में, उधर नहीं, इसी जंगल में कल रात को हाथियों का झुंड था जो रात को यहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। जेब्रा, फिर शेर, काफ़ी सारे जानवरों की आवाज़ बिल्कुल क्लोज सुनाई दे रही थी। मुझे टेंट में अकेले था तो काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और धीरे धीरे सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर चलते हैं। अभी मामून वगैरह आया नहीं है, हमारा भाई हिंदी झाड़ रहा है, जाएगा जाएगा जाएगा। चलते की जगह जाएगा जाएगा। और सुबह सुबह इम्पाला का बढ़िया झुंड दिखाया, छोटे छोटे बच्चे। ओ माय भाई, सुबह सुबह हमको जिराफों का पूरा झुंड दिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिराफ है यहाँ पे टोटल। देखो यहाँ पे 3, इसमें से 2 बड़े हैं, 1 बच्चा है। यहाँ पे 2 हैं जिसमें 1 बड़ा 1 छोटा है। और यहाँ पे बड़े बड़े 3, एक फैमिली आगे और जा रही उस तरफ और एक उस तरफ है। और यहाँ पे आपको एक बाज दिखेगा, देखो इस तरफ और इस तरफ कुछ इम्पालाज हैं, शायद आपको सन के पीछे दिख रहे होंगे। जबरदस्त भाई, देखो ये देखो भाई इम्पाला है। और सुबह सुबह कुछ इम्पाला देखो फाइट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई इम्पाला, ये देखो भाई 2 जिराफ आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं, शायद झगड़ तो नहीं रहे, मस्तियाँ कर रहे हैं। और जेब्रा भाई देखो, ये मज़ेदार नज़ारा है। देखो भाई 2-2 के ग्रुप में, इम्पाला बहुत प्यारे है भाई। ये है थॉम्सन गजेल और उधर वाले इम्पाला थे बड़े वाले। ये देखो भाई ये भी काफ़ी खूबसूरत है, चीता वगैरह इनका ही शिकार ज़्यादा करते हैं।
और ये देखो भाई पीछे कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे आपको जिराफ भी दिख रहे होंगे सुबह सुबह, और जिराफ अभी सुबह सुबह इधर जा रहे हैं, देखो हमारे पीछे ही आ रहे हैं ये देखो। और भाई ने रेडियो फ्रिक्वेंसी चालू कर दिया है ताकि ये लोगों ढूंढ रहे। ओ स्मॉल बेबी बेबी जिराफ, बेबी जिराफ जिराफ ये देखो भाई इस जेब्रा का बच्चा है, वाइट एंड ब्राउन है। ये देखो भाई सुबह सुबह इधर वाला नज़ारा बहुत खूबसूरत है, पेड़ से भी ऊंचा जिराफ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और जेब्रे का बच्चा ये देखो, देखो इस पेड़ के ऊपर से भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, कमाल है यार कमाल है, अद्भुत नज़ारा यार। ये चीज़ें इसकी हाइट करीबन 20 फीट से ज़्यादा होगी, 20 फीट मे बी, भाई साहब जब तक यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है ना मुझे कैमरा बंद करने का मज़ा ही नहीं आता है, मुझे लगता है मैं देखता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ कि ये पक्षी किस तरह से, ये जानवर किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हम इनके रास्ता रोक के खड़े, इनको रास्ता क्रॉस करना है और हम लोग रास्ते पे गाड़ी खड़ी कर दिया, तो ये बहुत बुरा काम है। लेकिन अब मानव जाति ने बहुत बड़ा यहाँ पे विध्वंस मचा रखा है। और इस तरफ देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, चार चार जिराफ आगे बढ़ते हुए नाश्ता करने के लिए। अभी तो सुबह सुबह शुरुआत हुई है और सुबह सुबह हमें जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और जिराफ, इम्पाला सब कुछ देखने को मिल गया है, यहाँ तक कि पिग भी। आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये सुबह बहुत खूबसूरत है, अभी हमारा डे टू है तो सबसे पहले हमारी गाड़ी निकली है और ये सब रोड पे ही देखा, इसके लिए कोई स्पेशल मेहनत नहीं करी है, आप हमारे साथ बने रहे। ये बहुत ही खूबसूरत मौका है अपने पास कि हम इतने अच्छे जानवरों को करीब से देख पाएँ, और ये पालतू नहीं है ये जंगली है, तो इनको देखने का मौका मैं बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर पल आपको दिखाऊँ और कोई पल मिस ना हो। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी उन पहाड़ों तक पूरा जंगली जंगल है, पूरा चारों तरफ देखो चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हमको उधर उस तरफ जिराफ और भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही जिराफ, 8-10 तो हमने यहाँ पे देख लिए, लेकिन उस तरफ दूर 2-3 किलोमीटर दूर और जिराफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जिराफों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। देखो उस तरफ मुझे करीबन 3-4 तो दिख रहे हैं यार, ज़्यादा तो मुझे अभी इतना दूर नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी भी तेज़ चल रही है, देखो एक वो उस तरफ है एक वहाँ पे, दो तो है 3। और वहाँ पे आपको चीता बिठरा दिखाई दे रहा होगा, वो तैयार हो गया अभी सुबह सुबह शिकार करने के लिए, और पूरी तरह से मुस्तैद खड़ा दिखाई दे रहा है, वो कल वाला चीता ही लग रहा है मुझे तो, अकेला आया है चीता ये देखो। और यहाँ पे सुबह सुबह उनको देखो, ये देखो वाह 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 गुर्राता हुआ निकल रहा भाई, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है यार चीता, और काफ़ी मजबूत है यार, ऐसा नहीं है कि ये थका हुआ है, काफ़ी हष्ट पुष्ट है, और अभी ये सुबह सुबह शिकार पे निकला है भाई, ये कल वाला ही चीता लग रहा है ना ये, ना ये सीध है यस्टरडे सेम। और ये चीता कोई गजल वगैरह ढूंढ रहा है, लेकिन आसपास कोई गजल है नहीं है ना, देखो पीछे मुड़ के देख रहा है कि क्या हो रहा है भाई। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर अभी जस्ट यहाँ पे गया है, देखो इस झाड़ी के पीछे है, और मुझे लगता है वो उसने रात को किसी गजेल का शिकार किया होगा, तो भी काफ़ी भरा हुआ लग रहा था पेट, ये राइडर देखो उसके पीछे, दिख रहा होगा आपको सर। Where's the friend?
कैसे जा रहा है सुबह सुबह। और अब ये पहुंच गया इस पेड़ के ऊपर, सूखे हुए पेड़ पे, शायद यहाँ पे बैठेगा और धूप सेकेगा, ऐसा ही लगता है मुझे। ये देखो, ये देखो, इसका निशान बना है। ओह माय गॉड, सुपर। ये देखो इस पेड़ पे बैठ गया है और स्प्रे कर रहा है, देखो। और अब बात समझ में आई, जब ये घुमा घुमा के इधर उधर देख रहा था, मुझे समझ में आया कि ये क्या कर रहा है। सुबह सुबह पेड़ के ऊपर चढ़ के ये चारों तरफ नज़र घुमा रहा है, देख रहा है कि इम्पाला गजल किस तरह है। तो ये शिकार ढूंढ रहा है, इम्पाला वहाँ पे हैं, देखो काफ़ी दूर नहीं है, ज़्यादा 1 किलोमीटर है, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। तो इसने पेड़ पे देखे, इस तरफ भी देखा है, उस तरफ जेब्रा है, लेकिन इस तरफ जाएगा ये पता नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे घूम घूम के देख रहा है, देखो। अच्छा, धूप भी सेक रहा है। ये सुबह सुबह चारों तरफ उस पेड़ पे फूल ही निशानियाँ बना रहा है, स्प्रे छांट रहा है, देखो। और कुछ अलग ही मूड में है, पूंछ ऊपर करके बैठा है। ये देखो सब लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, है ना। ओ ये आया, ये आया, ये ब्रो, ये कमिंग दिस साइड, हमारे दिखे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये शिकार के मूड में लग रहा है मुझे, देखो अलग अलग एंगल से सभी लोग शूट कर रहे हैं। और मैं खुद यहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे देखो चीता है भाई, ये देखो, वाह। धीरे धीरे आगे इस तरफ बढ़ रहा है, वाह वाह वाह, हमारी तरफ आ रहा है, हम क्लोज जा रहे हैं, गाड़ियाँ सभी हमें फॉलो कर रही है। देखो सब लोग इस फ्रेम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये चीते क्या चाहते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा भाई। ये देखो बिल्कुल क्लोज से जाता हुआ है चीता, इसकी चमड़ी देखो, कलर देखो, और पेट पे बाल हैं, और ये कान पीछे हैं, लेकिन नज़र आगे है इसकी। देख पा रहे हैं भाई, ये रहा चीता, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग इसको पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं सभी लोग, है ना। देखो भाई देखो, हमारे पास में चीता खड़ा, इतना क्लोज यार, वाह, कितना खूबसूरत प्राणी है यार, देखो भाई मज़ा आ गया। देखो हमें क्रॉस करके जा रहा है यार, धीरे धीरे झाड़ियों की ओट में आगे बढ़ रहा है। देखो इन झाड़ियों के अंदर जा रहा है और फिर ये शिकार करेगा, मुझे ऐसा लगता है। Oh my God. Oh my God. अब ये छुप गया अंदर भाई। यहाँ पे देखो आपको छोटे छोटे बेबीज दिख रहे हैं, बहुत प्यारे हैं भाई, बहुत प्यारे हैं। और सुबह सुबह हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, कल वाले रूट पे ही हैं, लेकिन आगे जाके हम पार्क 2 में जाने वाले हैं, वेस्टर्न की तरफ। और ये कलो बिल्कुल तंजानिया बॉर्डर है, यहाँ पे 15 किलोमीटर आगे जाओ आपको तंजानिया बॉर्डर दिख जाएगी, लेकिन बॉर्डर पे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, फेंसिंग वगैरह, ये ऐसे ही होता है जैसे बस नॉर्मल, क्योंकि दोनों तरफ से जानवर इधर उधर चलते रहते हैं, तो उनके लिए कोई बाड़ नहीं है। पंछियों के लिए या जानवरों के लिए कोई बाढ़ नहीं होती, उनके लिए कोई सरहद नहीं होती है। ये देखो खूबसूरत पहाड़,
और ये खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे सुबह सुबह। और इस तरफ जो है अभी कोई जिराफ नहीं है, लेकिन कल शाम को जिराफ यहाँ थे, सुबह सुबह इस तरफ चले जाते ईस्ट की तरफ और शाम को फिर आते वापस वेस्ट की तरफ। अरे देखो भाई, पानी का एक स्रोत है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ थॉम्सन गजेल हैं और सामने देखो माउंटेन। ये सब झुंड में ही चढ़ते हैं भाई, कम से कम 20-25 के आसपास। और उस पेड़ के पीछे आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा हाथी। सभी लोग अब उस तरफ जा रहे हैं। एक अकेला हाथी राजा इन जेब्राओं के साथ में यहाँ पे है। ये देखो भाई, बहुत विशाल का प्राणी है लेकिन अकेला ही है भाई। और ये भी कुछ घास वगैरह उखाड़ उखाड़ के चल रहा है। ये देखो जाड़ी, ये देखो उठाया और सीधा झाड़ियाँ होती है ना छोटी मोटी, वो झाड़ियाँ चर लेता है। पर डे ओ माय गॉड 100 लीटर पानी पीता एक दिन में और 250 किलो खाना खा लेता ये हाथी एक दिन में। सो स्पेशल भाई, कितना खाना खाता भाई 250 किलो एक दिन में। और ये देखो इस, ये जेब्राओं पे नाराज हो रहा है क्योंकि ये जेब्रा जब भाग रहे हैं ना मस्तियां कर रहे हैं। देखो जेब्रा डूइंग ए फन। सो देख सकते हैं दोस्तों, विशाल का ये हाथी, इसके दांत भी बड़े बड़े हैं और ये छोटी मोटी झाड़ियों को उखाड़ उखाड़ के खा रहा है। और एक दिन में 250 किलो के आसपास ये भोजन खा लेता है और 100 लीटर पानी पीता है भाई। ये जैसा कि हमारे ड्राइवर ने बताया, हमारे गाइड ने बताया, ये देखो कैसे उखाड़ रहा है। एक यूज़ कर रहा है पाँव और एक सूंड, दोनों से पकड़ के खाना उठा लेता है। ये देखो जैसा कि हमारे यहाँ पे जिप्सी आ रही है। थैंक यू। खाना कैसे उखाड़ता, देखो ये पकड़ा, पाँव का यूज किया और खा लिया। यहाँ पे एक छोटा सा रनवे भी है जहाँ से प्लेन उड़ते। देखो ये वाला छोटा सा प्लेन उड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। और अगर आप नैरोबी से पर्सनल विमान लेकर के आते हैं तो सीधा यहाँ डायरेक्ट लैंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एयर स्ट्रिप दिखाता हूँ जहाँ पे कोई पक्का रनवे नहीं बना हुआ, बस रेतीला रनवे, उसी पे उतर जाते छोटे छोटे विमान। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रनवे है। तो उस रनवे के पास में आपको झोपड़ियाँ दिख रही, तो वहाँ पे रनवे है छोटा सा। और छोटे छोटे जो विमान होते हैं 4-5 सीटर वो वाले यहाँ पे उतरते हैं। और यहाँ पे एक झोपड़ी जैसा बना हुआ और कुछ नहीं। और कल हमने शेर देखे थे, उसी साइड हम फिर से जा रहे हैं शायद। ये देखो वो पेड़ है, उसके पास में हमने शेर देखा था, उसके इस तरफ।
पूरा झुंड था, मैंने देखा था कल, हमने देखा। ये रास्ता है भाई, देखो यहाँ पे एक छोटा सा नाला है। वहाँ पे खतरनाक रास्ता है भाई, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है। वाह, ये देखो ऐसा रास्ता था पूरा। कल हमने वो जो ऊपर आपको पेड़ दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा, वो जो पीछे बड़ा सा एक पेड़ है काफ़ी दूर, उस पेड़ के पास शेर थे, 10 से 15 शेर थे। अब वहाँ पे नहीं है, अब कोई इधर होंगे कहीं, अब निकले उनको ढूंढने के लिए स्पेशल। और यहाँ पे कोई जानवर नहीं है, देखो आसपास आपको कोई नहीं दिखेगा। भाई साहब देखो, फाइनली हमने शेर को ढूंढ लिया, और ये देखो भैंसे को भाई, पूरा भैंसा चबा लिया इन्होंने कल वाले। ओ हाइना भी इधर, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, वाह। और पूरे भैंस का गोबर ओबर बिखरा पड़ा है, और उधर हाइना भी देखो वहां पे। देखें भाई, मात्र 7 থেকে 8 फीट दूर ही এখানে একটা লায়ন কত বড় একটা মনিষ্টি মনে করছে এবং সেই মনিষের মাংস আরাম করে খেতেছে। पूरा कच्चा खा गए यार, पूरे भैंस के जो है चिथड़े चिथड़े उतार दिए इन लोगों ने कसम से। और कुछ तो खा पी के सो भी गए, कल रात को उधर खा के सो रहे थे और आज इधर है। देखो भैंस के अंदर से काफ़ी सारा जो है घास फूस चारा बिखरा पड़ा यार, मैं तो देख ही नहीं सकता, लेकिन ये रूल्स है प्रकृति का, ये जीने के लिए किसी एक भैंसे का शिकार करते हैं। बाकी यहाँ आसपास कोई भैंस वगैरह नहीं है, यही एक भैंस है। मांस टूटने की आवाज़ आ रही है बड़ी खतरनाक, पड़ा पड़ पड़ा पड़। और कुछ लोग पहले से भर भर के खा गए हैं तो अभी सो रहे हैं, है ना। और हाइना तो यहाँ पे दूर दूर खड़े, देखो हाइना उधर खड़ा है। अब ये देखो एक लाइन उधर जाके सो गया, एक ये हैं, एक ये हैं, और ये तो देखो पहले लगे हुए, पूरा अंदर भी घुस गए। कच्चा मांस खा रहे भाई, देखो खाने के बाद बड़ा बुरी तरह सोते हैं। सब गाड़ियां यहाँ पे पहुंच रही, देखो धीरे धीरे। सबसे पहले इनको हमने ढूंढा था और पूरी भैंस को छबा गए, बड़ी भैंस थी, लेकिन सारा सारा इन्होंने तबाह कर दिया भैंस के मुर्बे को। और हाइना देखो, आपको हाइना भी दिखा दे, हाइना देखो वहाँ पे खड़े इतने दूर, और ये शेर यहाँ पे। ओ भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा था, तो ये आपने देखा कि जो शेर हैं कम से कम 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में एक फैमिली रहेगी। पूरा हमारे जो कैंप साइट से लेके अभी तक यहाँ 12 किलोमीटर है, उसके बाद यही फैमिली कल हमने दिखी थी, लॉयन फैमिली, वही फैमिली आज देख रहे हैं। तो मतलब इनका एरिया काफ़ी बड़ा और विशाल का होता है, जहाँ पे ये 15-20 के झुंड में रहते हैं भाई, है ना। एक बादशाह होता है, बाकी सब बच्चे उसकी फैमिली होती है। एक भाई है सो भाई, ये वाले जो पेड़ है ना, ये यूज़ करते हैं लेपर्ड। लेपर्ड को नीचे रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शेर वगैरह है ना, उनके लिए खतरा साबित हो जाता है। जब भी वो शिकार करते हैं इन पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी कभी शेर भी इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है तेंदुए को, लेकिन फिर भी ठीक है।
ये देखो ऐसे पेड़ पे बैठा रहता है वो, छलिया बोलते हैं, जब शिकार करता है तब भी यहीं से करता है। ये वाला पानी जो है दोस्तों, जमीन में से यहाँ पे पानी निकल रहा है, यहाँ पे कोई स्रोत नहीं है लेकिन जमीन से पानी निकलता है। प्रकृति ने हर चीज़ यहाँ पे बना रखी है। ये देखो ये यहाँ से पानी निकलता है, उसके आगे ऊपर हम रास्ते से आए, कोई पानी का स्रोत नहीं था लेकिन यहीं से निकलता है पानी और इस तरफ जाता है। और जहाँ पानी होता है वहाँ पे देखो आपको कुछ जानवर दिखाई देंगे, और जहाँ पे जानवर होंगे वहाँ पे शेर होंगे, वहाँ पे लेपर्ड होंगे, तेंदुआ चीता सब होंगे। तो अभी हम थोड़ा आगे आ गए हैं, 4-5-7 किलोमीटर। यहाँ पे देखो किसी जानवर का शिकार किया गया है। और ये है ना झाड़ी, आप इसको पहचानते हो, कितना विशाल का भैंस है, दोनों पास पास में बैठे हुए एकदम क्लोज। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है भाई। तो यहाँ पे देखो भाई दो भैंसे हैं और एक इस तरफ है, और जैसा कि हमारे गाइड बता रहे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं है ना। तो ये भैंसों की खासियत है जो आपके साथ शेयर कर दी मैंने, जैसा कि एग्रेसिव बताया। और ये खड़ा भी हो गया भाई, देखो पूरा मूड में है, काफ़ी तेज तर्रार है, गाड़ियों को तोड़ सकते हैं ये लोग। जैसा कि भाई ने बताया कि भैंसा काफ़ी एग्रेसिव होता है, तो खड़ा होकर मूड बना लिया भाई, देखो। और हो सकता है या गाड़ी पे बूम भी कर सकता है, तो हमारा ड्राइवर रेडी है, अगर भैंसा नज़दीक आए तो हम आगे भाग जाएं। साला एक अकेला सुअर यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे हैं बहुत सारे थॉम्पसन गजेल। ये देखो भाई ये है टोपी, वाओ सो ब्यूटीफुल टोपी, एकदम लाल और बहुत प्यारी है। और ये है टोपी, देख सकते हैं, इसके साथ भी हमारी सेल्फी तो बनती है। यस ओ ब्रेट हॉग सब। एक सवाल जरूर उठता है कि यहाँ पर पेड़ क्यों नहीं है। पेड़ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से, मैंने जिस तरह से अनुभव किया है, पेड़ इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जितने भी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं ना, वो हाथी उसको जड़ समेत उखाड़ लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए पेड़ नहीं है। और बीच बीच में झाड़ियाँ दिखती है, वो पानी का जो स्रोत होता है ना वहाँ पे, जो अपने आप बोर नहीं होते, बोर ये वाली झाड़ी ये वो है, तो इसमें होते छोटे छोटे कांटे। ये झाड़ियाँ आपको
टिकेगी जहाँ पे पानी पानी चलता है वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ स्पेशल है, वहाँ पे मेरे को लगता है कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, तो वहाँ पे चलेंगे देखते हैं। और यहाँ पे हैं दो चीता, ओह देखो पेड़ के नीचे सो रहे हैं भाई, लटक पटक रहे हैं, देख लीजिए भाई। काफ़ी देर चलने के बाद हमें ये चीता मिले, चीता फैमिली है। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ हैं, तो ये उल्टा सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे कि शायद यहाँ पे शेर वेर नहीं है, तो हम मौज से सो रहे हैं। तो भाई देख लो यहाँ पे चीता फैमिली है, ये पेड़ के नीचे देखो एक खड़ा है और एक बैठा है। अब इसका मूड क्या बनेगा वो पता नहीं है ना, जबरदस्त सीन है यहाँ पे। सब जानवरों का शिकार करने का अलग अलग तरीका होता है। शेर हैं वो झुंड में जा कर के अचानक से घेर के हमला कर देते हैं, और हाँ जी हाँ जी इट्स ओके। और चीता है नो प्रॉब्लम इट्स ओके। सो ये जो हैं अपनी रफ्तार से करते हैं शिकार। यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि पानी की कमी किस कदर है यहाँ पे। यहाँ पे देखो आपको बेचारे कीचड़, जो बिल्कुल कीचड़ है, पानी भी नहीं है, गारा जिसको बोलते हैं ना, जानवर आते हैं उस जारे में, गारे में से जो भी पानी मिलता है वो पी के जाते हैं। तो अभी तो ठीक है, जब बारिश ना हो तब क्या हाल होता होगा, देखने वाली बात तो वो है। यहाँ पे देखो भाई दूर तक फैले हुए बड़ी बड़ी घास के मैदान हैं, लेकिन यहाँ पे जंगली जानवर नहीं है। यहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक आपको पूरा घास के मैदान दिखेंगे, और सामने कुछ हाथी का एक झुंड है, बफेलो नो एलिफेंट, हाँ हाथियों का झुंड है, करीबन 7-8 हाथी है बड़े बड़े, और घास चर रहे हैं मैदान में। और वहाँ पे कोई बड़ा कोई जानवर नहीं है, बाकी कोई जानवर नहीं यहाँ पे, जैसा कि वाइल्ड बीस्ट हो गया या कोई और हो गया, कुछ नहीं है। और यहाँ पे एलिफेंट फैमिली है भाई देख लो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यार ये बड़ी बड़ी घास है, कोई चरने वाला नहीं है, लेकिन अब देखो ये विशाल का प्राणी इस बड़ी बड़ी घास को चरने में जुटे हुए हैं, और ये मक्खियाँ ना खाए इसलिए पूरा कीचड़ कादे से लोटपोट हो गए हैं। सो फाइनली अफ्रीका के केन्या में ये बड़े बड़े हाथी हमें देखने को मिल गए, देखो काफ़ी विशाल का है और बहुत सुंदर है, बहुत ज़बरदस्त ये घास खाते हैं भाई, करीबन दिन को 250 किलो तक घास चबा जाते हैं ये ना। यहाँ पे करीबन 5 हाथी हैं, लेकिन पीछे वहीं पे हमने देखा था वहाँ पे करीबन 15 एक हाथी थे, तो यही कुछ है। और वो देखो बच्चे साले मस्ती में लगे हुए हैं, बच्चे हर जगह बदमाश होते हैं ये बात पक्की है, चाहे हाथी हो चाहे इंसान हो, किसी का भी बच्चा हो, बच्चे हमेशा मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं भाई। ये देखो हाथियों ने यहाँ से कीचड़ लिया और उसी कीचड़ से वो नहा लिए। और वहाँ पे पी गए, देखो 2-3 पी गए बैठो। और चलते थोड़े ही चले होंगे, आधा किलोमीटर और हाथी आ गए। और ये तो भाई देखो क्लोज, अरे भाई रोक ले मेरे भाई।
इस तरह एक अकेला पेड़ बिना पत्तियों के यहाँ पे खड़ा है आज वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से शायद। और एक आपको उस तरफ दूर दिखेगा जो करीबन 2 से 3 किलोमीटर, ऐसी है यहाँ की जीवन रेखा। ये जो झाड़ियाँ दिखती है वहाँ समझ लो नदियाँ हैं। और यहाँ पे देखो भाई बड़ा सा खड्डा, यहाँ पे कुछ स्पेस है इन झाड़ियों के पीछे की तरफ, तो सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं, हम भी इस तरफ से घूम के उस तरफ जाते हैं। और ये देखो ये झाड़ियाँ छोटी 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 बहुत सारी झाड़ियाँ। अब यहाँ पे शायद मुझे लगता है लेपर्ड हो सकती है, मेरे हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। यहाँ फिर लाइन है फैमिली, नजर दौड़ाओ भाई क्या दिखता है देखते हैं। मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये लोग गोल गोल घुमा घुमा के पूरी घास को बर्बाद कर दिया है। क्या है भाई यहाँ पे, इसके पीछे है वहाँ पे देखो, इसके पीछे कुछ है, समथिंग स्पेशल, बट अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नथिंग स्पेशल, इसके पीछे है यार कुछ, गाड़ी आ गई, झाड़ियों के बीच में शायद हो सकता है लॉयन है क्या है पता नहीं। ये देखो भाई यहाँ पे लेपर्ड है जो सो रहा है, और इसने भी लगता है बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह खा लिया होगा, इम्पाला वगैरह, तो पहली बार दिख रहा है ये। और ये दूर दराज है, शेरों से काफ़ी दूर है, क्योंकि लेपर्ड दिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रेयर है। तो भाई थोड़ा नज़दीक ले रहे हैं, ओह इट्स ओके। ये देखो बिल्कुल देख भी नहीं रहा, देखो भाई जहाँ जहाँ पे ये जीव जंतु एनिमल वगैरह होते हैं वहाँ पे ये गाड़ी वाले घास की ऐसी की तैसी कर देते हैं, इधर उधर गाड़ी घुमा घुमा के, तो ये एक तरह से अत्याचार है मुझे लगता है। किस तरह से मतलब पैसों के चक्कर में पर्यावरण को डिस्टर्ब किया जाता है, और उनके जो भी घास वगैरह उनके खाने का जो भी संसाधन है वो भी मिटा दिया जाता है, तो ये बुरी आदत है। लेकिन पता नहीं अब इन फ्यूचर इसका क्या असर पड़ेगा, ये लोग कभी गाड़ियां वगैरह ना देखी वो हर रोज गाड़ियों के आदि हो चुके हैं। तो भाई अभी अभी पता चला कि मैंने बोला ना आपको खाना खाया, इस पेड़ के ऊपर एक इम्पाला को उसने लटका के रखा हुआ है, तो अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये जागे हैं और ऊपर चढ़े तो हम सब देखें इसको। लेकिन देखो गाड़ी किस तरह से घुमा घुमा के उसको डिस्टर्ब करने की फुल कोशिश की जा रही है, कितनी सारी गाड़ियाँ, ये हैरान गति वाला मामला। ये कार देखो खुली ओपन कार है, काफ़ी खूबसूरत है। घास को देखो, ये घास के अंदर से ले गया देखो, ये भाई ने कार फंसा दिया, बोलो फंस गया, इससे अच्छा तो फ्रंट की तरफ ले जा। It's gone.
Everyone said he should go around. Everyone, literally everyone went around. Come. Hey, my God. Okay. Come. Wow, इसके चारों टायर काम करते हैं ना भाई, तो निकल गए. आगे से दो टायर खड़े हो गए, ऊपर हो गए, फिर भी ये निकल गया भाई. The one standing is the legend there. Yes. True. ये गाड़ी कहीं फंसती नहीं है भाई लैंड क्रूजर. I think so. He said ladies first. और भाई देखो ये महिला कार चला रही, भाई देखो इतनी बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी और पैसेंजर को लेके जंगल में घूमना एक बड़ी बात है यार. और ये पेड़ पे देखो हिरन लटका रखा है, लेकिन अभी तक वो खड़ी नहीं हो रही है भाई. भाई आधा घंटा इंतजार कर लिया लेकिन वो नहीं जाग रही है, और ये गोश्त उसके ऊपर टंगा हुआ है. अभी चलते हैं कहीं और. और इस पेड़ के ऊपर तेंदुआ है या नीचे है या रेस्ट कर रहे हैं. नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, बस पार्टी वार्टी कर रहे हैं. अब फाइनली दिखे हैं दो बड़े बड़े शत्रु मुर्ग एस्टोरिस, काफ़ी बड़े हैं. एक दो पहले दिखे थे आपको पता है पिछले दिन, और दो आज देखने को मिले. बहुत विशाल प्राणी यार. हाँ ओके. So for the ostriches, the gestation period is 40 days. Okay. Whereby during the day, it's the female that lays on the egg, and at night, it's the male because of camouflage. Right. So they're eating some bee or something? No, for them, they only eat the tip of the grass. Grass, okay. ये देखो भाई घास की जो टॉप होती है ना वो खा ली. ये जो है देखो घास के टॉप है वो खाते हैं, और कुछ नहीं. और ये काफी तेज स्पीड से भागते हैं भाई. That's a quick one. और ये है भाई सबसे बड़े पक्षी जो कभी उड़ नहीं पाते हैं. तो भाई देख लो यहाँ पे पीछे आपको दिख रहे हैं ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं. और ये दुनिया के सबसे बड़े वो पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन दौड़ते और बहुत तेज हैं. So the guard, this is a guard, that side. Yeah, security guard. भाई एक वहाँ पे खड़ा है, वो ध्यान रख रहा है कि कोई हमलावर ना आ जाए, और बाकी सब यहाँ पे घास चर रहे हैं. ये टोपी नहीं है, इसको कुछ अलग नाम बोल रहे हैं, थोड़ा सा अलग है. दे प्रोवाइड सिक्योरिटी. देखो भाई अब ये देख लिए, और ये छोटे छोटे बच्चे और बड़ा फैमिली है. लेकिन ये वाला भाई है ना संतरी है, एक पत्थर के ऊपर खड़ा रह के चारों तरफ देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कहीं हमारी कोई वाट लेने तो नहीं आ रहा है. तो फिर यहाँ से 9:00-11:00 हो जाते हैं. अब इस तरफ आगे चलते हैं, और हम तंजानिया बॉर्डर के साथ साथ चल रहे. इस तरफ तंजानिया बॉर्डर है, और ये दूर दूर तक फैले हुए पेड़, और उस तरफ धुआं निकल रहा है यार, क्या पता कुछ गड़बड़ है. ये देखो भाई सुअरों की बड़ी फैमिली, पूरा परिवार साथ में घूम रहा है, और साले इतने माते मतवाले हैं, भरपूर है. उस तरफ पीछे भी हैं, देखो वहाँ पे भी कुछ बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे. अब आपको मैं खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ. ये देखो गाड़ी के साथ में
दोस्तों ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले हुए घास के मैदान, लेकिन कहीं कहीं पे 5-10 किलोमीटर चलने तक भी एक भी प्राणी नज़र नहीं आते, और नज़र आते हैं तो कुछ पिग है बस, और कुछ नहीं, वर्थोग बोलते हैं जिसको, और कोई नहीं। देखो आप पूरा दूर दराज तक देख सकते हैं, हमारी गाड़ी चलती जा रही है लेकिन कोई जानवर नज़र नहीं आता बस। इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा विशाल का मैदान है, लेकिन जब जंगली जानवरों का प्लान शुरू होता है ना, तो जिस जगह पे जाएंगे तो इस जगह पे आपको पूरा भरा हुआ मैदान दिखेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, वो सब तंजानिया की तरफ है या पता नहीं किस तरफ गए हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, देखो एक कादे कीचड़ में पिग है, वो नहा रहे, देखो पूंछ ऊंची करके भाग रहे साले। इस पेड़ पे देखो आप, एक वाइट चील बैठा हुआ है, ईगल, और बहुत ही शानदार और सुंदर है। तो ये जो है ये नदी है, छोटी छोटी नदियां हैं कीचड़ कादे वाली, और आगे आपको दिखाते हैं कि हजारों की तादाद में भैंसें हैं, वो भी दिखाएंगे। और ये नदियां बीच बीच में ऐसे चलती रहती है, छोटी छोटी नदी बोलते हैं इसको, कहीं पे पानी है कहीं पे सूखी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बड़ा सा पेड़ देखो, एक अकेला पेड़ दूर दराज तक फैला हुआ एक नदी के किनारे पे। और इस तरफ देखो मैदान पूरा काला दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भैंसे, ये देखो यहाँ पे भी एक टोपी है जो सिक्योरिटी का काम कर रहे, उसके आसपास वर्थ हो गए। भाई साहब अभी यहाँ पे जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, वो तंजानिया में है और हम अभी केन्या में, तो बिल्कुल बॉर्डर के क्लोज पे हैं हम लोग। यहाँ पे एक जिराफ भी है देखो, एक यहाँ पे भी है। कोई हिसाब किताब नहीं है, बेफाम चलते रहो बस, गाड़ी इधर से उधर उधर से उधर भगा भगा कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक चलने के बाद भी कोई ट्रिप का एंड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे दो इम्पाला ओनली देखो, नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और हम नदी के कभी इस तरफ चल रहे हैं कभी नदी के उस तरफ चल रहे हैं, और जस्ट तंजानिया बॉर्डर पे। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम तक इसी तरह से इसी मसाई मारा पार्क के अंदर बस जिधर मर जाए उधर घूमते रहो, पता नहीं रुकने का नाम नहीं। खाली अगर कोई दिखेगा स्पेशल चीज़ तो 2-3 मिनट 4 मिनट ब्रेक कर लिया, लेकिन उसके बाद ये चलते ही रहेंगे। जो बात करते रहें ईमानदारी से वही होती है, चलते रहते बस, कुछ ना दिखे तो डीजल तो जलाते ही जलाते हैं। ये देख लो भाई, 1.6 मील दूर है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरफ सामने ही आपको दिख रहा होगा ये तंजानिया। घंटे भर इधर उधर भागते भागते हमें कुछ एलिफेंट दिखे हैं बस, और कुछ नहीं। तो वहाँ पे आपको समझ, ये देखो भाई मोटे मोटे हाथी, घास खा रहे हैं। और यहाँ पे क्या स्पेशल है, आप
सब देखो ऐसे ही गोलमाल घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिख खुश नहीं रहा है किसी को, कोई नदी करने की क्रॉस करने की सोच रहा है। ये गाड़ी वाला एक घंटे से हमारे को आसपास दो तीन बार मिला। किधर है, कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा। किधर है तो भाई, उस गाड़ी के पास में है, इधर नहीं है कुछ, सब उधर भाग भाग जा रहे। देखो ये देखो, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सब इधर भाग के, ओ ये रहा ये रहा ये रहा तेंदुआ, ये तेंदुआ लेपर्ड 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 यस द कमिंग 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 या। देखो भाई ये रहा तेंदुआ आ रहा है पास में, और काफी लेपर्ड हमारे दिखे आस्ते। ओह माय गॉड, ये बढ़िया है, इसके कलर भी बढ़िया भाई। लेपटा अनेक बड़ो आगे जे लेपटा भी छिटे थे कि एटा बड़ो। देख लो भाई हमें क्रॉस कर रहा है लेपट। ओ माय गॉड, और हम उसका पीछा कर रहे हैं। देखो सब गाड़ियां इधर उधर भगा रहे हैं, और ये घास में चलता हुआ जा रहा है। इसके जबड़ा देखो भाई, और ये घास के अंदर चला गया। देखो जब तक ये किसी पेड़ के ऊपर ना चढ़ जाए तब तक इसको कुछ खास दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो घास से छोटा है, चल भी मुश्किल से रहा है। तो ये क्या करेगा, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और नज़र दौड़ाएगा कि भाई कहाँ पे क्या है, तब वो वहाँ पे जाएगा। देखो भाई फाइनली ये थोड़ा सा टीला मिला इसको, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है इसलिए साया के अंदर दब के बैठ गया। ये देखो यहाँ पे हाथी खड़े हैं, और यहाँ पे तेंदुआ है जस्ट बाजू बाजू है। इधर ही मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ पे हाथी हैं, और इसके ठीक बगल में इस छोटे से पेड़ के पास में तेंदुआ है। कितने खूबसूरत प्राणी है, और इसके दांत देखो भाई बहुत जबरदस्त। तेंदुए के लिए खतरा हो गया है कि यहाँ पे एलिफेंट है पास में, तो वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं। उनको अभी तक पता नहीं है कि यहाँ पे तेंदुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको यहाँ से 9-11 हो जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाथी है और ये तेंदुआ है, इतने नज़दीक है, और वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहे हैं, और ये उस तरफ देख रहा है। अब आगे क्या होता है देखने वाली बात तो ये है। अभी हाथियों को पता नहीं है कि यहाँ पे तेंदुआ है। देखो भाई इसके हालचाल और दांत देखो कितने पहने हैं यार।
अब देखो दांत इसके आगे के दो पैने दांत। Tell him to come back. Tell him to reverse. देखो भाई सब लोग वेट कर रहे हैं कि कुछ एक्शन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। ये भाई साहब मौज में है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक ही फ्रेम में हाथी, इंसान और तेंदुआ, तीनों चीज़ एक ही जगह पे दिखाई दे रही है आपको। तो अब भाई बिल्कुल क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। यहाँ पे तेंदुआ है और यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट है। अब क्या होगा, धीरे धीरे एलिफेंट इसी तरफ आ रहे हैं, तो इस नज़ारे को हम देखते हैं यार एकदम करीब से। अभी हाथी को ये पता नहीं है कि यहाँ पे तेंदुआ है और उसके पास बच्चा भी है। क्लोज एनकाउंटर, एलिफेंट एंड लेपर्ड। बस अभी कुछ ही सेकंड में फैसला होने वाला भाई, जो भी है कौन जीता है कौन भागेगा। हाथी उस तरफ है। ये देखो हाथी के आगे तो सब फेल है। अब तेंदुए को यहाँ से भागना पड़ेगा। हाथी को शायद होता है, ये देखो भाई यहाँ पे आपको तेंदुआ, हाथी, इंसान, सारा कुछ एक्शन एक ही कैमरे में देखने को मिल जाएगा। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो ये आई 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 ये देखो भाई इसने यहाँ से निकलना ही सही समझा। ये जाएगी उधर किसी पेड़ पे जाके बैठेगी, हाथी से दूर रहना ही भला ही समझा इसने। ये देखो गाड़ियां उससे के आगे जा जा के खड़ी हो जाती है।
अब ये यहाँ बैठेगी। तेंदुआ है, तेंदुई नहीं है, तेंदुआ है, मेल है। That's the famous leopard for you guys. Really, yeah. Famous leopard. Yeah, it came really far away for you. अभी तेंदुआ कहाँ गया? इधर पानी के अंदर चला जा, वो देखो। Thank you.